दोस्तों, बिटकॉइन समेत सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में जानिए क्या है आज की ताज़ा अपडेट। पिछले दिन की गिरावट के बाद आज कई प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में कुल वैश्विक क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप बढ़कर $1.32 ट्रिलियन हो गया है। बिटकॉइन, ईथर समेत कई प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में आज तेजी देखने को मिल रही है। पिछले दिन की गिरावट के मुकाबले आज इनमें अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। इसके साथ ही अब वैश्विक क्रिप्टो करेंसी का कुल मार्केट कैप पिछले दिन के मुकाबले 2.85% बढ़कर $1.32 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। दुनिया की सबसे पॉपुलर और बड़ी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन पिछले दिन $30,184 तक गिर चुका था। इस बीच टेस्ला के CEO एलन मस्क और ट्विटर CEO जैक डॉर्सी ने जुलाई में एक प्लेटफॉर्म के जरिए बिटकॉइन पर चर्चा करने के लिए सहमति जताई है। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन चुका है जहाँ बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी गई है। यह भी खबर है कि अगले महीने चेक रिपब्लिक में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने से जुड़ा बिल पास कर दिया जाएगा। अमेरिका में कानूनी मान्यता नहीं होने के बावजूद भी बिटकॉइन का इस्तेमाल होता है। भारत की तरह यहाँ भी बिटकॉइन पर नियामिका कड़ाई बढ़ाने की मांग हो रही है। हालांकि अमेरिका में डिश नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट, सबवे और ओवरस्टॉक ने बिटकॉइन के पेमेंट मेथड को तौर पर स्वीकार करना शुरू कर दिया है।